हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो क्वेश्चन नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी को फ्रेम करके क्वेश्चन कुछ बनाए हुए हैं। हमारा क्वेश्चन है, Which of the following are the correct statement? इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट हैं, सही हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये है, All bacteria are prokaryotes। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, ये मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया हमारा किसका मेंबर है, बैक्टीरिया हमारा मेंबर है किंगडम मोनेरा का, किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर होते हैं ये आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो यहां से ये बात तो सही हो गया कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हम सेकेंड ऑप्शन की ओर चलते हैं, क्लोरोफाइसी आर द मेंबर ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ये हमारे जो क्लोरोफाइसी है ये किसका मेंबर है, ब्रायोफाइटा का है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। जो ये क्लोरोफाइसी जो होते हैं ये एल्गी होते हैं, ये किसका मेंबर है, ये एल्गी का मेंबर है। तो सेकेंड ऑप्शन यहां से आपका क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन फंजाई। ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं इनको हम लोग सेपरेट किंगडम में उठाकर रखते हैं, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी होते हैं मेंबर वो क्या होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। फोर्थ ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं, All कार्डेट आर वर्टिब्रेट। जितने भी कार्डेट होते हैं ये वर्टिब्रेट होते हैं, बट all वर्टिब्रेट आर नॉट कार्डेट। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। All कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, बट all वर्टिब्रेट आर कार्डेट। ये ऑप्शन होता तो आपका सही हो जाता। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं ये कार्डेट होते हैं, और जितने कार्डेट होते हैं ये वर्टिब्रेट नहीं होते। तो ये भी आपका आधा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और ये आधा बचा हुआ all वर्टिब्रेट आर नॉट कार्डेट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि नॉट यहां पर लगा हुआ है। यदि नॉट ना होता तो ये स्टेटमेंट आधा आपका करेक्ट होता। तो यहां पर ये स्टेटमेंट फोर्थ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, all कार्डेट आर वर्टिब्रेट, ये गलत बात है, बट all वर्टिब्रेट आर नॉट कार्डेट, ये भी गलत बात है। तो आपका लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है ये भी गलत है। तो ओवरऑल आप यहां पर चारों ऑप्शन की ओर चले देखे, आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट मिला। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहां से काफी हद तक आपको बेनिफिट मिल रहा है आपके प्रिपरेशन में, कई टॉपिक को मिलाकर हम एक एक क्वेश्चन फ्रेम करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।